तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आशा करते हैं गाइस डूइंग वेल, अच्छे से ध्यान रखो। अपना स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो में मतलब मैं सोचा नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था, इसलिए ये थोड़ा अनएडिटेड सा है, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैं गिटार के एम्पलीफायर बनाना आपको सिखाऊंगा। सिर्फ गिटार नहीं है, आप इससे मतलब गाना भी सुन सकते हो, अच्छा खासा साउंड आएगा आउटपुट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 5 वोल्ट का एक एम्पलीफायर मॉड्यूल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा है। और आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर 2 सैटेलाइट स्पीकर के यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास पड़ा हुआ था, मतलब स्पीकर के हिसाब से। और इनपुट के लिए मैं एक TX केबल का यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे गिटार में इनपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको डायग्राम दे दूँगा। और पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट देना है मुझे, इसलिए मैंने एक USB का केबल लगा दिया है, ताकि मैं इसको पावर बैंक और चार्जर दोनों से चला सकूँ। नाउ आई एम गोना मेक दिस थिंग फैंसी लुकिंग, ताकि ज़्यादा लोगों को पसंद आए। ऐसे तो लोग सोचेंगे कि एक गवार चीज़ है, तब मैं इसको थोड़ा ऐसे कूल लुकिंग बनाऊंगा, जो मुझे आता नहीं है, ये ट्राई करता हूँ, है ना। वाओ, व्हाट अ फैंसी लुकिंग थिंग। अब देखो, घुस जा, लग जा साले। यस यार, अब बेसिकली करना क्या है कि आपको जो जो आपने बनाया है अभी, ये जो एम्पलीफायर मॉड्यूल है और जो जैक है, वायर है, सबको एक छोटे से बक्से में ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। तो आपके एक कॉम्पैक्ट फैंसी चीज़ बन जाएगा, ठीक है, ताकि आप इसको बाहर लेके जा सको। मैं यहाँ पर इस बक्से का लेबल उतारना भूल गया, आप ज़रूर लेबल उतार के टेप उप लगा देना। तो ये 1K का रेजिस्टेंस है, मैंने लाइट के साथ लगा दिया, बल्ब के साथ। तो ये मतलब जो LED है उसके साथ 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इतने सारे वायर निकला हुआ है, तो इनके लिए नॉचेस काटने पड़ेंगे। तो अब ये प्लास्टिक का एक बक्सा है, तो ईजिली नॉच मैं पिघला के काट सकता हूँ, ठीक है। और जो LED लाइट है, अब इसका कनेक्शन अगर मैं आपको समझाऊँ, कुछ नहीं है। LED लाइट के एक लेग में आप रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव आप याद रखना, उस हिसाब से आप क्या करोगे, जो पावर सप्लाई हम लोग का यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है, उसके साथ पैरेलली कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये हम लोग का एम्पलीफायर का बॉक्स रेडी है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका गिटार में घुस जाएगा, एक तरफ आपका पावर सप्लाई लगेगा, बैटरी लगा सकते हो 18650। तो आप देख सकते हैं, ये है सेटअप फुल पावर बैंक से। वेट, मैं फैन ऑफ करता हूँ। तो यार देखो, पावर बैंक से अगर आप इसको चलाना चाहते हो, सॉरी, हाँ, यहाँ पर पावर बैंक से अगर आप इसको चलाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर बैंक के साथ एक मोबाइल भी चार्ज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब मेरा वाला जो पावर बैंक है, ये 2 एम्पेयर का आउटपुट है इसका, तो मतलब इतना लो करंट का अगर आउटपुट का कुछ हम लोग इसमें लगाएं, तो ये कंटिन्यूसली नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि इसको लगेगा कि मोबाइल तो चार्ज में लगा ही नहीं है, जो उतना करंट ले सके, तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर आपके पास मतलब जो कम पावरफुल पावर बैंक होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो ईजिली। लेकिन इसके साथ आपको एक फ़ोन भी चार्ज में लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, पावर बैंक ऑन रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, पावर बैंक को ऑन करता हूँ। अब देख सकते हो, ऑन हो चुका है, इसमें इस भी ये भी आ चुका है। अब चलो मैं यहाँ से म्यूज़िक ऑन करूँ। अब यहाँ पर अच्छा स्पीकर भी लगा सकते हो, मेरे पास ये पुराना रखा हुआ था, मैंने ये लगा दिया। तो ये है हम लोग का सस्ता सा एम्पलीफायर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, गिटार को उस एम्पलीफायर के साथ लगाता हूँ, कुछ गाना बजा के आपको चला के दिखाता हूँ। देखो आपको मतलब एम्पलीफायर का साउंड, हाँ, क्या ये नॉर्मल एक अच्छा एम्पलीफायर को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, इट्स नथिंग इन कंपेयर टू देम। बट काम चलाओ, बाहर अब जा रहे हो दोस्तों के साथ, नॉर्मली बैग में घुल गया, मोबाइल में या पावर बैंक में घुसा दिया, चलने लग गया। सो काम का तो है, ऑब्वियसली काम का है। तो इसको मैं थोड़ा ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। ये माइक को मैं लगा देता हूँ एम्पलीफायर के पास, और गिटार को कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको फुल सेटअप दिखा रहा हूँ, ठीक है। वेट, इधर जो स्पीकर्स हैं इनके पास ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो,
यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और देखो मैं पावर सोर्स के लिए ये वाला चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप पावर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो।